समय आ चुका है सीमा हैदर का जेल जाने का और पाकिस्तान गुलाम हैदर के बच्चे मिलने का समय आ गया है। इसके चैनल बंद होंगे आज कल परसों दो तीन दिन के अंदर बड़ी अच्छी खुशखबरी मोमिन मलिक जी देने वाले हैं। कल इनकी कार्रवाई मोमिन मलिक जी कर देंगे जो तिरंगे का इन्होंने अपमान किया है। सीमा हैदर अगर लाइव सुन रही है, मैंने कह दिया अगर तेरे को उखाड़ के नहीं फेंका यहाँ से, ये हमारा कानून है, ये हमारा संविधान है, ये अभी समझेंगी भी। एपी सिंह ने उसको समझाया नहीं है, उसके कान में समझाया नहीं था। बेल कैंसिल होगी और बेल जाएगी, गुलाम है बच्चे मिलेंगे। जिस तरह से मामला चल रहा है सीमा हैदर और गुलाम हैदर मामला, तो बहुत अच्छी अपडेट दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही अच्छी, जिसमें मोमिन मलिक जी बाकायदा उन्होंने जो इनकी बेल थी वो बेल भी कैंसिल उनके लिए डाली है और इसकी जल्दी बेल कैंसिल होगी और बेल जाएगी, गुलाम है बच्चे मिलेंगे। और ये बहुत, मैं कहता हूँ कि बाकायदा मोमिन मलिक जी ने भी कहा है कि भाई अगर गुलाम हैदर किसी कारण से नहीं आ पाता है तो मैं पाकिस्तान जाऊंगा और वहां से मैं बाकायदा गुलाम हैदर को लाऊंगा। और मैंने भी दिल से मोमिन मलिक जी को कहा है और मोमिन मलिक जी ने भी, मैंने उनको बोल दिया है कि सर सूर्य वर्मा भी आपके साथ जाएगा और गुलाम हैदर को लेके आएगा। समय बहुत ही करीबी आ चुका है क्योंकि ये मामला ख़त्म करना ही पड़ेगा हमने, क्योंकि हम लगे हैं, हमारी टीम लगी है, सभी लगे हैं, आप सब लगे हो, आवाज़ उठा रहे हैं। तो मैं बिल्कुल तहे दिल से कहूँगा कि इस वक्त ये जो समय है, ये सीमा हैदर का जो समय था वो बिल्कुल उसका दी, जिसे कहते ना द एंड, उस पर कार्रवाई मोमिन मलिक जी की, उस पर कार्रवाई चल रही है। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ दिल से क्योंकि गुलाम हैदर का जो वीजा है, मैं पूरी एक डिटेल बताना चाह रहा हूँ, सभी सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि गुलाम हैदर का जो वीजे की जो प्रक्रिया थी वो किसी कारण से, एक तो उसकी माँ की बात थी जो उनकी वालदा है, दूसरा नंबर है कि उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कुछ कमियाँ थी वो मोमिन मलिक जी पूरी कर चुके हैं, और जो बच्चों की कस्टडी है वो सबको पता है कि मोमिन मलिक जी बाकायदा लाइव आकर भी बता रहे हैं कि भाई मैं बिल्कुल बच्चों की जो कस्टडी है वो मैं गुलाम हैदर के को कर चुका हूँ, और समय आने पे बाकायदा गुलाम हैदर के बच्चे उसकी गोद में होंगे। और ये बाकायदा मोमिन मलिक जी का बहुत बड़ा तोहफा, बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ एक जीत, एक सच्चाई की जीत, हम सबकी जीत, हम सबकी जीत होने जा रही है, हम सबकी जो संघर्ष था सरिता जी, सभी दर्शक सुने, जो हमारा संघर्ष था हम 1.5 साल से, वो उसका समय आ चुका है। वो एक बहुत, जिसे कहता हूँ दिल से, मैं कहता हूँ मैंने भी आवाज़ जो उठाई थी मेरा भी संघर्ष काम आ गया, और मैंने भी उनको कहा है कि भाई अगर आप पाकिस्तान जा सकते हो गुलाम हैदर को लेने के लिए तो सूर्य वर्मा जरूर चलेगा आपके साथ, अगर आप इजाज़त दोगे तो मेरी जो वीजे की प्रक्रिया होगी मैं उस पर भी अपनी कार्रवाई करूँगा, क्योंकि मैं एक इंसानियत के नाते, मैं कोई पाकिस्तान की से कोई मिलने नहीं जा रहा, मैं इंसानियत के नाते एक पिता को उसके बच्चे दिलाने में मदद कर रहा हूँ, और वो चाहे मैं हूँ, चाहे दुनिया में वो गुलाम हैदर, चाहे किसी भी कंट्री का होता, किसी भी देश का होता, हम उसका ज़रूर साथ देते, एक पिता का साथ देना, क्योंकि आप सबको यही पता है कि भाई शुरू से अब तक एक गुलाम हैदर बहुत ही, मैं कहता हूँ इंसानियत के नाते हमें उसकी, गुलाम हैदर की मदद जो की है बिल्कुल सफल हो गई है सरिता जी, सफल होने जा रही है। मैंने कहा कि मोमिन मलिक जी कहा कि सर मेरी जरूरत पड़े, अगर मुझे भी पाकिस्तान जाना पड़े तो मैं गुलाम हैदर के लिए, गुलाम हैदर के बच्चों के लिए मैं जरूर चला जाऊँगा, चाहे इसमें कोई जी, देखिए हम कोई किसी क्रिमिनल आदमी के पास नहीं जा रहे हैं, हम कोई किसी चोर इंसान के पास नहीं जा रहे, हम एक पिता के पास उसकी मदद करने के लिए जा रहे हैं। और न्यायालय जो हमारा कानून है वो भी ये कहता है कि इंसानियत के नाते, या हमारा जो सनातन धर्म है, जो हमारा देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई सभी का, जो हम सच्चाई पे लड़ने वाले लोग हैं, हम वो भारतीय हैं, हम वो लोग हैं जो हम सच का साथ देते हैं सरिता जी, और हम हटते नहीं सरिता जी, हम हटते नहीं,
और आज मैं दिल से कहता हूँ सरिता जी, मैंने इतने 1.5 साल से मैं लाइव हूँ, लेकिन आज मैं इस लाइव पे, इस समय आ चुका है सीमा हैदर का जेल जाने का और पाकिस्तान गुलाम हैदर के बच्चे मिलने का समय आ गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके चैनल बंद होंगे काली सर, सर एक दो एक ड्रामा कर रही है सर आज से, एक ड्रामा अटका चालू कर दिया, वो तो प्रेग्नेंट होने का ड्रामा कर रही है, नींबू पानी पीवे वह तो शर्बन दे पड़ी रहे है। देखिए मैं एक, ये जो प्रेग्नेंट आता है ये शुरू से चलती आ रही है। हाँ शुरू से, पहले दिन से। और ये से। तो उसके चार चार बच्चे हैं और भैया वो जिस तरह से अगर नौटंकी कर रही है तो वो शुरू से कह रही थी प्रेग्नेंट हूँ, 4 महीने की हूँ, 3 महीने की हूँ, ठीक है। अरे वो सचिन काहे का प्रेग्नेंट करेगा है? वो क्या बोल दूं, कुछ बोल दूं मैं, सुनो दर्शन सुन रहे हैं और सब समझ जाएंगे इस बात को, कोई प्रेग्नेंट नहीं हो सकती ना उनका कोई, उनका कोई रोल है बस सिर्फ ये, समझ गए सर, सब समझ गए। ये सिर्फ एक नौटंकी, छल कपट, छल और हमारे देश को गुमराह करना, हमारे देश की बहन बेटियों को, भाइयों को गुमराह करना, जो लोग 16 लाख जो सब्सक्राइब उनके हुए हैं उनको गुमराह कर दिया है। तो मैं कहूंगा ये गुमराह हुए हैं, सभी हुए, लेकिन मैं आपसे सबसे दिल से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मोमिन मलिक जी का जो संघर्ष था, जो हम सबका संघर्ष था, जो हमारी सरिता बहन का, सरिता कठेत का, आस्था माँ का, काका गुजर, डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी टीम, मैं कहता हूँ सभी चैनल वाले, मैं देखिए सब, मैं शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, नाम लेते लेते सब ने बहुत संघर्ष किया है यहाँ तक और मोमिन मलिक जी, मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों ने कितना संघर्ष किया जो नीचे बैठे हैं, कमेंट के जरिए अपनी आवाज उठा रहे हैं, हमारी आवाज में आवाज मिला रहे हैं, एक आवाज को बुलंद कर रहे हैं, मतलब कितने नाम गिनवाए, कितने नाम। तो आप सब समझ जाए कि आप सबका बहुत सहयोग है, सारा क्रेडिट आप सबको जाता है जो एक केस को जिंदा रखा आप सबने। जी जिंदा भी रखा और जो कमेंट, मैं कहूंगा जो जुड़े हमसे, बिल्कुल हम लाइव से जुड़े, जो लोग कमेंट किया वो जुड़े, उनकी उनकी भी ये बड़ी ताकत है, क्योंकि संघर्ष और सुनो समय, ये ऐसा समय है अभी, आज कल परसों 2-3 दिन के अंदर बड़ी अच्छी खुशखबरी मोमिन मलिक जी देने वाले हैं, बहुत बढ़िया, ये मेरा वादा है, क्योंकि मोमिन मलिक ने वो काम कर दिया है, क्योंकि मैं खुद लाइव पे नहीं बोलूंगा, क्योंकि लाइव में वो खुद बताएंगे आपको, बहुत अच्छी खबर, मैं कहता हूँ बहुत 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 अच्छी खबर है, कल दे परसों दे 2 दिन में कभी भी दे, बहुत अच्छी खुशखबरी देने वाले हैं। और मोमिन मलिक का ये मैं कहता हूँ ऐसे वकील, ऐसे मैं कह रहा हूँ संघर्ष करने वाले वकील, एक इंसानियत का बगैर पैसे निस्वार्थ सेवा करने वाले वकील, मैं उनको वकील नहीं कहूंगा, वो इंसानियत के नाम पे एक देवता है, वो इंसान इंसानियत समझते हैं, पिता की बात समझते हैं सरिता जी, इंसानियत के नाम पे बचा और बहुत उन्होंने सोच समझ कर उसको वकील किया गया है और हम तो खड़े ही, तो सरिता जी मैं तो सूर्य वर्मा खड़ा हूँ हमेशा, मैंने तो दिल से बोला है गुलाम हैदर आएगा, जरूरत पड़ी तो मैं भी खुद गुलाम मोमिन मलिक भाई के साथ मैं खुद मैं चला जाऊंगा उनके साथ, मैं खुद जाऊंगा लेने अगर मुझे मौका मिला, मैं कहता हूँ मुझे दिल से, मैं कहता हूँ मुझे मौका मिले अगर जाने का, अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं जरूर जाऊंगा, जरूर जाना चाहिए सर, जरूर। एक पिता के संघर्ष के साथ खड़ा हूँ, एक इंसानियत के नाते एक पिता के साथ खड़ा हूँ और मेरा वो, मैं कहता हूँ मुझे ऐसा मौका मिले जी सर, और मैं दिल से उसको कहा है कि मैं इसको मैंने सीमा हैदर अगर लाइव सुन रही है, मैंने कह दिया अगर तेरे को उखाड़ के नहीं फेंका यहाँ से, ये हमारा कानून है, ये हमारा संविधान है, ये अभी समझेंगी थी एपी सिंह ने उसको समझाया नहीं है, उसके कान में समझाया नहीं था कि कैसे होगा, पता तो सर इसको भी है, पता तो इसको भी है, को जिस तरह से सरिता जी उसने जो 15 अगस्त मनाने की कोशिश करी थी 12 तारीख को, हाँ। क्या एपी सिंह और ये क्या दिखाना चाह रहे थे कि अभी 12 तारीख ही है, आज ही तिरंगा उल्टा लेकर, बहुत बड़े ये मैं गलत जनगणमन गलत गाया सर, मैं कहता हूँ जनगण मन अधिनायक जय है, इनको गाना हाँ। वो एक राष्ट्र प्रेम गीत है, नहीं गान तो राष्ट्र प्रेम गीत है,
बिल्कुल उसमें सर बिल्कुल लिख सकती है कि उसको ना तो मोमिन इसको क्या नाम है इसको एपी सिंह को आता है ना इस सीमा गोड़ी को आता है ना सचिन को आता है और जो उसके आसपास खड़े थे ना किसी को राष्ट्रगान नहीं आता। ये बबीता जी यार ये जो इनकी आती है परिवार की इनको भी नहीं आ रहा। और वो जो उन्होंने साड़ी पहनी थी तिरंगे की वो उसने अपमान किया हमारे तिरंगे का और उस पर बहुत ही संज्ञान लिया गया है। मोमिन मलिक जी ने बहुत बड़ा संज्ञान लिया है उनके खिलाफ बाकायदा उसने माफीनामा के लिए बोला था कि या तो एपी सिंह और सब माफी मांगे।